बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में केरल और पश्चिम बंगाल में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया गया। बीजेपी की कोशिश है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके मुकुल राय को पार्टी में शामिल कर लिया जाए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन ममगाई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है और जिन दो राज्यों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात की गई वो थी पश्चिम बंगाल और केरल। अगर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र डालें तो मुकुल राय टीएमसी को छोड़ चुके हैं। मुकुल राय जो कि एक वक्त में ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे और मुकुल राय की अगर खासियत की बात करें तो वो बूथ लेवल मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं। उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकी थी। उन्हें पता होता था कि किस बूथ में कितने वोटर चाहिए, जीत के लिए क्या करना है और इसी बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात अमित शाह भी कर रहे हैं। और दोनों नेताओं के मिलने के बाद ही तलखी और ज़्यादा गहरी हुई ममता बनर्जी और मुकुल राय के रिश्तों में और आखिरकार उन्हें टीएमसी छोड़नी पड़ी। अब अगर मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुकुल राय के रूप में पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा होगा। हेमंत बिश्वा की तरह जो कि असम में कांग्रेस के बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं अगर केरल की बात करें तो 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी एक पदयात्रा करने वाली है। यानी दोनों ही राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बेहद गंभीर है और वहां अपनी पैठ बनाना चाहता है। विपिन के साथ रमन ममगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।